दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एंजल बन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी ऐड करके दिखाने वाला हूं। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, तब मैंने एंजल बन ऐप के द्वारा नॉमिनी ऐड करके दिखाया था, लेकिन अभी एंजल बन ऐप के अंदर नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। उस वीडियो पर बहुत से कॉमेंट आ रहे हैं कि ये ऑप्शन तो अभी ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने भी चेक किया तो वहाँ पर नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एंजल बन वेब पेज पर लॉगिन करके उसमें नॉमिनी ऐड करके बता देता हूँ, क्योंकि 31 मार्च 2023 से पहले पहले नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च तक नॉमिनी ऐड नहीं किया तो एक्सचेंज की तरफ से आपके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से एंजल बन डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना सीख लेते हैं। लैपटॉप या मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। इसमें टाइप करना है www.angelone.in और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, लॉगिन रजिस्टर विद फोन नंबर और लॉगिन विद क्लाइंट आईडी। या तो आप फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या क्लाइंट आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। फोन नंबर से लॉगिन करने के लिए पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो मोबाइल नंबर आपके एंजल बन अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, यहाँ उस मोबाइल नंबर को एंटर करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी कोड को इसमें एंटर करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ लॉगिन पिन एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। राइट साइड में यहाँ अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल कैटेगरीज में डिटेल्स अबाउट नॉमिनी एंड मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। अब आपको नॉमिनी पर क्लिक करना है। अगर आपने इसमें पहले से कोई नॉमिनी ऐड कर रखा होगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। अभी यहाँ पर कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। सभी नॉमिनी का टोटल शेयर परसेंटेज हमेशा 100% होना चाहिए। नॉमिनी बनाने के लिए ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नॉमिनी की डिटेल डालेंगे। आप जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं यहाँ उसका पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे कि पैन कार्ड पर है। इसके बाद उसका पैन नंबर डालेंगे। यहाँ परसेंटेज ऑफ शेयर डालेंगे। अगर आप एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ पूरा 100% डालेंगे। अगर आप दो या तीन व्यक्तियों को नॉमिनी बना रहे हैं तो 100% को उनके बीच में डिवाइड करना है, यानी कि आपको 100% में से ही नॉमिनी बनाना है। जैसे कि अगर आप दो व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं, या तो आप दोनों को 50-50% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं, या एक व्यक्ति को 60% और दूसरे को 40% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं, या एक को 70% और दूसरे को 30% के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि 100% में से ही डिवाइड करना है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस व्यक्ति को कितने परसेंट के लिए नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का आपके साथ क्या रिश्ता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पति या पत्नी को नॉमिनी बना रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना है स्पाउस। इसके बाद दूसरा नॉमिनी ऐड करने के लिए फिर से ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मुझे एक ही नॉमिनी ऐड करना है। सभी नॉमिनी की डिटेल डालने के बाद सबमिट ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना आधार ई साइन करना होगा। आप NSDL के ई साइन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। आपके नॉमिनी ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। नॉमिनी अपडेट होने में 2 दिन का समय लगेगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप यहां दी गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज भी आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट टू अपडेट नॉमिनी हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। नॉमिनी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए आपको फिर से प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है। इसके बाद व्यू ऑल कैटेगरीज में जाना है। अब आपको नॉमिनी पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमने जो नॉमिनी ऐड किया है वो यहाँ पर नॉमिनी अपडेट हो गया है। यहाँ नॉमिनी की पूरी डिटेल दी गई है, नॉमिनी का नाम, पैन नंबर, परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप एंजल बन में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।